अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुआ था ना। तो चलिए, रिकॉर्डिंग ऑन हुआ है तो आप लोग रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा। एनाटॉमी ऑफ हार्ट। सबसे पहले बॉर्डर ऑफ हार्ट, राइट बॉर्डर कैसे, राइट बॉर्डर इज फॉर्म बाई राइट एट्रियम, है ना। राइट बॉर्डर इज फाउंड बाई राइट एट्रियम, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर इज फाउंड बाई लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। अच्छा, ऑरिकल एंड एट्रियम में क्या डिफरेंस है आप लोग बताइए, या फिर दोनों सेम ही चीज है, आपको क्या लगता है? क्योंकि यहां पे आया है एट्रियम, यहां पे लिखा हुआ है ओरिकल। सेम होता है, सभी लोग सेम ही बता रहे हैं, कोई और बताएगा कि ऑरिकल एंड एट्रियम सेम होता है या डिफरेंट? मेरे ख्याल से ये डिफरेंट है, सेम नहीं है। हाँ डिफरेंट है ना, कैसे डिफरेंट है थोड़ा और क्लियर कीजिए। कवरिंग टाइप क्या, तो आप किसके बारे में बता रहे हैं? अपर पार्ट ऑफ एट्रिया, कवरिंग टाइप, कवरिंग टाइप ऑरिकल होता है, एंड एट्रियम इज द चैम्बर, एट्रियम इज द चैम्बर, है ना। जिसको आप चैम्बर समझ रहे हैं उसका नाम एट्रियम है, ऑरिकल इज नॉट चैम्बर, ऑरिकल इज नॉट चैम्बर। क्योंकि तो यहाँ पे दो अलग अलग टर्म आया, इसलिए ये डिस्कस करना जरूरी था। ओरिकल कवरिंग है मसल का, एट्रियम चैम्बर, है ना। ओरिकल एक तरह से समझ लीजिए, ओरिकल एक तरह से समझ लीजिए कि उसका एक्सटर्नल ईयर है ना। कवरिंग टाइप का बोल सकते हैं उसको हम लोग। तो ओरिकल एंड एट्रियम इज डिफरेंट, होता डिफरेंट प्रोजेक्शन है, ठीक है। सबका अपना अपना वर्ड है, ओरिकल इज नॉट चैम्बर, याद रखिएगा। ओके, यहां देखिए आपके सामने इस इमेज में, चलिए इमेज में और क्लियर नहीं है, इमेज में क्लियर नहीं है। चलिए आपको मैंने ये बताया कि ये याद रखिएगा आप लोग, एक्सटर्नल प्रोजेक्शन इसको बोल सकते हैं। कैसे हमारे पास इनर ईयर है एंड एक्सटर्नल ईयर है ना, मिडिल ईयर एक्सटर्नल ईयर, उसी तरह का एट्रियम एंड ऑरिकल में रिलेशन है। ओके तो हम लोगों ने क्या यहाँ पे देखा कि राइट एट्रियम फॉर्म्स राइट बॉर्डर, ओके, एंड लेफ्ट बॉर्डर इज फॉर्म बाई लेफ्ट ऑरिकल अबव एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल बिलो। लेफ्ट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर इधर है, लेफ्ट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर इज फॉर्म बाई लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन राइट बॉर्डर इज फॉर्म बाई राइट एट्रियम, नॉट लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, है ना। एकदम सिमिट्रिकल तरीके से, रेगुलर तरीके से ये हार्ट सिचुएटेड नहीं है हमारे बॉडी में, इसलिए रेगुलर तरीके से आपको बॉर्डर इसका आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि राइट वाला राइट ही बॉर्डर होगा, लेफ्ट वाला दोनों चैम्बर लेफ्ट बॉर्डर होगा, है ना, ऐसा नहीं है। देखिए, राइट बॉर्डर इज फॉर्म बाई राइट एट्रियम ओनली एंड लेफ्ट बॉर्डर इज फॉर्म बाई लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बोथ,
एंड इन्फीरियर, हार्ट का शेप भी उस तरह से नहीं है, इसका डायमेंशन भी रेगुलर नहीं है, ना ही इसका शेप रेगुलर है ना, ना ही हार्ट का डायग्राम इस तरह का होता है, हार्ट का डायग्राम इस तरह का नहीं होता है। ओके, ये हार्ट का डायग्राम नहीं है। देन इन्फीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर मतलब नीचे का बॉर्डर, नीचे का बॉर्डर क्या लग रहा है यहाँ पे, अपेक्स यहाँ पे, ये समझ लीजिए अपेक्स यहाँ पे है, अपेक्स से आप, अपेक्स का मतलब इसके उधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसके इधर राइट वेंट्रिकल, है ना। अगर ये अपेक्स इस तरह से होता तो रेगुलर हम लोग समझ सकते थे। तो इन्फीरियर बॉर्डर, नीचे का बॉर्डर कौन बना रहा है, देखिए राइट वेंट्रिकल, मेनली बाय द राइट वेंट्रिकल एंड द अपेक्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट तो इधर की ओर चला गया, ऊपर की ओर चला गया, है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट तो ऊपर की ओर चला गया, इसीलिए तो ये लेफ्ट वाले बॉर्डर में चला गया था, लेफ्ट वाले बॉर्डर में। लेफ्ट वेंट्रिकल इज फॉर्म, लेफ्ट वेंट्रिकल फॉर्म्स लेफ्ट बॉर्डर, है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल फॉर्म्स, लेफ्ट वेंट्रिकल फॉर्म्स लेफ्ट बॉर्डर एंड राइट वेंट्रिकल फॉर्म्स नॉट राइट बॉर्डर, इट फॉर्म्स इन्फीरियर बॉर्डर, है ना। यहाँ पे देखिए, एंड द अपेक्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, अपेक्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, अपेक्स भी बनाता है ये, अपेक्स भी इन्फीरियर बॉर्डर को बनाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, सुपीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर मतलब ऊपर का बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर इज वेयर ग्रेट वेसल्स एंटर, ग्रेट वेसल, ये तो ऑब्वियस सा पार्ट बात है कि ऊपर की ओर इसका सुपीरियर बॉर्डर होगा, ग्रेट वेसल यहाँ से एंटर होगा एंड लीव होगा, फॉर्म बाई राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स, ऑरिकल्स है ना, राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स, ऑरिकल्स नॉट एट्रियम, क्योंकि एट्रियम के ऊपर ही तो ऑरिकल है, उसका ओपनिंग के पास ऑरिकल होता है, एंड सुपीरियर पार्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड सुपीरियर पार्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। ये थोड़ा आगे की ओर भी बढ़ा हुआ है, तो वेंट्रिकल का सुपीरियर पार्ट, वेंट्रिकल का सुपीरियर पार्ट एंड ऑरिकल दोनों मिला के, दोनों मिलके बनाता है सुपीरियर बॉर्डर, है ना। इस डायमेंशन को आपको इमेजिन करना होगा, रेगुलर नहीं है ना, थोड़ा पीछे की ओर टिल्टेड है एंड थोड़ा लेफ्ट की ओर टिल्टेड, राइट की ओर टिल्टेड है, इस तरह से इमेजिन करना होगा। तो ये था बॉर्डर, बॉर्डर आपको याद रखना है। चलिए, अब आप बताइए, आपसे क्वेश्चन अब करते हैं, बताइए अनुश्री, बताइए आप इसका राइट बॉर्डर कैसे बना था, राइट बॉर्डर कैसे बना था अनुश्री, राइट बॉर्डर इज फॉर्म बाय विच पार्ट ऑफ दी हार्ट अनुश्री, अनुश्री, मोनू, हाँ, दिस इट वॉज फाउंड बाई राइट, देखो थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, जो सोचेगा उसके साथ अच्छा होगा, वो उसका मतलब उसको फायदा होगा। राइट बॉर्डर वॉज फाउंड बाई, देखिए सभी लोग सोच लीजिए, हम फिर से इमेज दिखाते हैं आपको, राइट बॉर्डर, राइट बॉर्डर की बात कर रहे हैं, राइट बॉर्डर हार्ट का कौन सा पार्ट बनाता है। चलिए सभी का आंसर देख लेते हैं, देखिए अब ऊपर देखिए, सोचना पड़ेगा, सोचिए थोड़ा, गलत होने से कोई दिक्कत नहीं है, आंसर गलत होने से कोई दिक्कत नहीं है, आंसर लेट होने से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट बॉर्डर, राइट बॉर्डर फाउंड बाय राइट एट्रियम, है ना, राइट बॉर्डर इज फाउंड बाय राइट एट्रियम, हार्ट का शेप रेगुलर नहीं है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, लग रहा है कि राइट साइड में इसका
सरकमफ्रेंस ज्यादा है, इस तरह से इमेजिन करना होगा। इसलिए अकेला राइट एट्रियम खुद पूरा राइट बॉर्डर बना ले रहा है ना। वेरेज लेफ्ट बॉर्डर में देख लीजिए, लेफ्ट बॉर्डर में फॉर्म बाई लेफ्ट ऑरिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल बिलो, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड में सिर्फ राइट एट्रियम एंड लेफ्ट साइड में ऑरिकल एंड वेंट्रिकल दोनों, है ना, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल दोनों। ऑरिकल एंड एट्रियम में कन्फ्यूजन होगा, उससे ज्यादा दिक्कत नहीं है, एट्रियम वेंट्रिकल में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। राइट साइड में राइट और राइट एट्रियम एंड लेफ्ट साइड में दोनों, लेफ्ट साइड में दोनों याद रखिए। एंड इंफीरियर में सुपीरियर भी आसान है, इन्फीरियर में देखिए फॉर्म मेनली बाई राइट वेंट्रिकल एंड अपेक्स। इन्फीरियर भी सिर्फ राइट वेंट्रिकल से, मान लीजिए सिर्फ राइट वेंट्रिकल से, सिर्फ राइट वेंट्रिकल से एंड सुपीरियर दोनों से। देखिए सुपीरियर फॉर्म बाई राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल एंड सुपीरियर पार्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ऐसे याद रखिए राइट वेंट्रिकल, राइट बॉर्डर इज फॉर्म बाई ओनली राइट एट्रियम एंड लेफ्ट दोनों से। उसी तरह से इन्फीरियर इज फॉर्म बाई ओनली राइट वेंट्रिकल एंड सुपीरियर दोनों से, ऐसे याद रखना है। राइट बॉर्डर बनता है राइट एट्रियम से, लेफ्ट दोनों से। इन्फीरियर बॉर्डर बनता है लेफ्ट, इन्फीरियर बॉर्डर बनता है राइट वेंट्रिकल से एंड सुपीरियर दोनों से, है ना। ऑल्टरनेटली इस तरह से याद रखिए, राइट वनली राइट, लेफ्ट दोनों, इन्फीरियर वनली राइट एंड सुपीरियर दोनों, बस। ओके चलिए फिर से नीचे चलते हैं। बताइए फिर से, बताइए आप लोग इन्फीरियर बॉर्डर कैसे बना था, बताइए। देखते हैं इस बार आप लोग क्या टाइप कर, सोच के टाइप कीजिए, देखा देखी टाइप नहीं कीजिए कि ये टाइप कर रहा है ये, तो हम भी यही टाइप कर लेते हैं, मैक्सिमम आंसर ये है तो हम भी यही आंसर कर देते हैं। जो जिसका जितना ज्यादा इंसल्ट होगा उसका ज्यादा उतना फायदा है ना। इंसल्ट से बचने के लिए सभी लोग क्या करते हैं कि ज्यादा अच्छा आंसर लिखने का कोशिश करते हैं जैसे तैसे। चलिए तो क्वेश्चन था इस बार कि इन्फीरियर बॉर्डर इज फॉर्म्ड बाय, इन्फीरियर बॉर्डर वाह देखो अनुश्री का आंसर क्योंकि इतना अच्छा है। नेहा रंजन सरकार राइट एंड लेफ्ट दोनों वेंट्रिकल, ठीक है इस बार ज्यादा क्लियर हो जाएगा नेहा रंजन, इस बार राइट वेंट्रिकल अपेक्स और लेफ्ट वेंट्रिकल, बहुत अच्छा। मोनू का भी सेम एग्जैक्ट आंसर। करुणा चौहान राइट वेंट्रिकल वनली भी बता सकते हैं, राइट वेंट्रिकल वनली बता सकते हैं, इन्फीरियर बॉर्डर का बात किया जा रहा है, इन्फीरियर का, वेरी गुड। अव्य राइट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल दोनों लिख दिया है, इन्फीरियर का बात किया जा रहा था, सुपीरियर का नहीं, सुपीरियर में आप दोनों बोल सकते थे। राजेश चौरसिया क्या लिखा, राइट वेंट्रिकल एंड सम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ये भी अच्छा आंसर है, सम लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं ओनली अपेक्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल लिखते हैं, अच्छा आंसर है। राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट भी मेनली राइट वेंट्रिकल मेनली, ब्रिजेश बोला है, बहुत अच्छा, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल वनली जो बोले उनका तो एकदम गलत आंसर है, लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं राइट वेंट्रिकल इन्फीरियर का बात किया जा रहा है, मतलब नीचे का बात किया जा रहा है, ऐसा नहीं था हार्ट का शेप इस तरह से था ना, इस तरह से नहीं था, इस तरह से था ना, तो यही था, यहीं से मान लीजिए राइट वेंट्रिकल, यहां से मान लीजिए राइट वेंट्रिकल, तो पूरा नीचे क्या आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, पूरा राइट वेंट्रिकल ही तो आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत लोगों ने एग्जैक्ट आंसर किया, हर्षाली बहुत लोगों ने, चलिए बहुत अच्छा। दोनों लिख रहे हैं आप तो वो गलत है, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल लिखता है वो भी गलत, देख लीजिए फिर से, देख लीजिए आपके पास सामने फिर से आ गया, इन्फीरियर बॉर्डर इज फॉर्म्ड बाय राइट वेंट्रिकल इन्फीरियर बॉर्डर इज फॉर्म्ड बाय राइट वेंट्रिकल इन्फीरियर बॉर्डर इज फॉर्म्ड बाय राइट वेंट्रिकल हाँ इन्फीरियर बॉर्डर इज फाउंड बाई राइट वेंट्रिकल एंड अपेक्स, इन्फीरियर बॉर्डर इज फाउंड बाई राइट वेंट्रिकल एंड अपेक्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। वनली राइट वेंट्रिकल भी आपको याद रहेगा,
तो आप समझ जाएंगे कि सिर्फ राइट ट्रायंगल नहीं था, एपेक्स भी आपको याद आएगा। ठीक है, ये इन्फीरियर सुपीरियर में दोनों 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 चारों समझ लीजिए, सुपीरियर पार्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल। ओके, दोनों ऑरिकल एंड दोनों वेंट्रिकल, सुपीरियर में तो कुछ भूलना ही नहीं। राइट में राइट एट्रियम, राइट बॉर्डर, राइट एट्रियम, राइट 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 याद रखिए, राइट 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 एट्रियम है, वेंट्रिकल नहीं। सिर्फ आपको राइट एंड इन्फीरियर वाला याद रखना है, बाकी तो सब तो सिंपल रहा है। लेफ्ट वाला क्या है, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सुपीरियर वाला क्या, चार। ओके, चलिए ऐसे समझ लीजिए कि सुपीरियर मतलब ऊपर, ऊपर से हम लोग सब कुछ देख सकते हैं, है ना। सुपीरियर मतलब ऊपर, ऊपर से हम लोग एवरी एवरीथिंग हम लोग देख सकते हैं, ऐसा होता है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इस बार क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। चलिए, सरफेस प्रोजेक्शन ऑफ हार्ट, सरफेस प्रोजेक्शन ऑफ हार्ट, सरफेस प्रोजेक्शन ऑफ हार्ट, यहां देखिए आपको हार्ट का सरफेस दिख रहा होगा थोड़ा। हाँ, यह देखिए ये हार्ट का सरफेस, चलिए यहाँ से थोड़ा ब्लैक ले लेते हैं। ये देखिए ये ज़्यादा पतला हो गया, आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। यहाँ देखिए, ये देखिए इसका सरफेस, हार्ट का सरफेस, यही है ना, हार्ट का सरफेस। अब हम लोग इसका देखते हैं, सरफेस मार्किंग ऑफ कार्डियक वाल्व है, इसमें वाल्व का हम लोग मार्किंग देख रहे हैं, मतलब ऑस्कल्टेटरी एरिया। उसके लिए ये आप लोग टेक्स्ट पढ़ पा रहे हैं कि नहीं बताइए पहले, ये आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, या फिर इसको और जूम किया जाए तो ये पढ़ पाएंगे तो अच्छा है। सबसे पहले एओर्टिक वाल्व, एओर्टिक वाल्व जूम, चलिए जूम करते हैं इसको। जूम हो गया, हार्ट के बारे में देखिए क्या बताया जा रहा है। एओर्टिक वाल्व, सबसे पहले एओर्टिक वाल्व, कितना वाल्व होता है, एओर्टिक वाल्व होता है हार्ट में, पल्मोनरी वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है एंड माइट्रल वाल्व होता है। अब किसी को ऐसा नहीं लग रहा है ना कि बाइकस्पिड वाल्व कहाँ चला गया, ये तो सबको पता ही होगा कि बाइकस्पिड वाल्व कहाँ चला गया, यहाँ है बाइकस्पिड वाल्व यहाँ पे। तो एओर्टिक वाल्व ऑस्कल्टेशन पॉइंट यहाँ पे। तो अगर हम लोग इंटरकॉस्टल स्पेस काउंट करें तो ये कितने नंबर पे आएगा, कितने नंबर पे आ रहा है, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस काउंट करके देखते हैं। 1 2 3, ये सही काउंटिंग है या गलत, 1 2 3 सही काउंटिंग है या फिर गलत काउंटिंग है, आप बताइए, बताइए आप लोग, जो काउंटिंग किया गया है वो सही है या फिर गलत। गलत गलत, ये स्पेस का मतलब दो रिब्स के बीच का ना स्पेस होता है, यहाँ तो दो रिब्स होगा तभी ना, तो यहाँ तो कोई एक ही स्पेस है, एक ही रिब्स है। अब ये रिब्स फर्स्ट रिब एंड सेकंड रिब के बीच का जो स्पेस है ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस हो गया। सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में ही तो एओर्टिक वाल्व का पॉइंट दिख रहा है, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस। अब इसी के पैरेलल में इधर आ जाए तो ये भी सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस है, तो सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में ही एओर्टिक वाल्व का ऑस्कल्टेशन पॉइंट है, साथ में पल्मोनरी वाल्व का भी ऑस्कल्टेशन पॉइंट है। और राइट और लेफ्ट तो आपको पता है ही, ये राइट है ये लेफ्ट है, तो राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में हम लोग एओर्टिक वाल्व का ऑस्कल्टेशन पॉइंट चेक करते हैं, एंड लेफ्ट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में पल्मोनरी वाल्व का ऑस्कल्टेशन पॉइंट
सुन सकते हैं हम लोग स्टेथोस्कोप से, है ना। ये स्टर्नल एंगल से भी हम लोग यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। स्टर्नल एंगल के लेफ्ट साइड में है और ये स्टर्नल एंगल के राइट साइड में है। ओके, अब नीचे ये माइट्रल वाल्व के बारे में चेक करते हैं। माइट्रल वाल्व, माइट्रल वाल्व का ऑस्कल्टेशन पॉइंट कहाँ पे है? ये माइट्रल वाल्व का ऑस्कल्टेशन पॉइंट ये हम लोगों ने देख लिया, पल्मोनरी वाल्व का ऑस्कल्टेशन पॉइंट एंड एओर्टिक वाल्व का ऑस्कल्टेशन पॉइंट लास्ट है। हाँ, अनुश्री ने काउंट कर लिया है। माइट्रल वाल्व का ऑस्कल्टेशन पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5 पांचवे में है, पांचवे में है माइट्रल वाल्व का ऑस्कल्टेशन पॉइंट। और कहाँ पे पांचवा? तो यहां से लेकर के यहां तक पांचवा ही है, यहां से लेकर के यहां तक पांचवा है, तो कहाँ पे? ये भी स्टर्नल मार्जिन के पास था एकदम। ये जो है ना सेकंड भी तो यहां से लेकर यहां तक है ना, यहां से लेकर यहां तक है, लेकिन कहाँ पे? स्टर्नल एंगल के पास। ये भी स्टर्नल एंगल के पास, दोनों स्टर्नल एंगल के, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, एओर्टिक राइट साइड एंड पल्मोनरी लेफ्ट साइड, स्टर्नल एंगल, ये स्टर्नल एंगल था। हाँ, ये मिड क्लैविकुलर लाइन, मिड क्लैविकुलर लाइन के पास मिलेगा, मिडिल ऑफ क्लैविकल के पास इसका पॉइंट मिलेगा, मिड क्लैविकुलर लाइन। तो इसका हो गया मार्जिन, सरफेस मार्किंग मार्जिन, इसका सरफेस मार्किंग हो गया माइट्रल वाल्व का, एंड ट्राइकस्पिड वाल्व का सरफेस मार्किंग आप लोग खुद बताइए कहाँ पे है ट्राइकस्पिड वाल्व का। बताइए बताइए आप लोग बताइए। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। हाँ, इंटरकॉस्टल स्पेस तो पांचवे में ही है, बहुत अच्छा। देखिए एम भी यही लिखा हुआ है इसी स्पेस में, और टी भी इसी स्पेस में लिखा हुआ है, वेरी गुड, पांचवे में ही है। तो इन दोनों में डिफरेंस कैसे होगा? डिफरेंशिएट कैसे करेंगे दोनों के पॉइंट को? ये पॉइंट तो मिड क्लैविकुलर लाइन पे था, ये कौन से लाइन पर है? क्या सोचिएगा आप लोग? आपको क्या लग रहा है ये सोचिए कि आपको क्या लग रहा है, आप किसी को बताइएगा तो कैसे बताएंगे कि ये टी कहाँ पे लिखा हुआ है? हाँ, बहुत अच्छा। ये ट्राई करेंगे हम लोग कि बॉडी ऑफ स्टर्नम के पास है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि बॉडी तो ऊपर से लेकर के नीचे तक बॉडी है, यहाँ तक बॉडी है, यहाँ तक बॉडी है, ये इश्यू हो जाएगा ना, ये इश्यू हो जाएगा। और कुछ सोचिए। हाँ, स्टर्नल मार्जिन, स्टर्नल मार्जिन है ना, ये बोल सकते हैं हम लोग राइट स्टर्नल एंगल, ये इसी के लाइन में स्टर्नल मार्जिन भी बोल सकते हैं, स्टर्नम के मार्जिन पे मिलेगा। स्टर्नल मार्जिन ऊपर से लेकर नीचे तक है, लेकिन फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस भी तो बोला जा रहा है, और नियर बॉडी ऑफ स्टर्नम भी एकदम सही आंसर है, ये कोई गलत नहीं। बॉडी ऑफ स्टर्नम ये पूरा लेकर यहां से नीचे तक तो है, लेकिन पांचवा इंटरकॉस्टल स्पेस से ये एक पॉइंट फिक्स हो गया, असाइन हो गया, ये इसका सरफेस मार्किंग। बहुत अच्छा, ठीक है। तो याद क्या रखना है आपको? याद आपको रखना है बस यही कि ए इस साइड में था, याद रखना है ना। क्वेश्चन जब आएगा तो याद रखना है ए राइट राइट साइड में है, बाकी सब लेफ्ट साइड में था। पी भी लेफ्ट साइड में, टी भी लेफ्ट साइड में, एम भी लेफ्ट साइड में, एंड टी और एम साथ साथ एक ही स्पेस में, ए और पी फिर से एक ही स्पेस में, नियर बॉडी ऑफ स्टर्नम। हाँ, सही आंसर है, बहुत अच्छा, ठीक है। जिफी स्टर्नम नहीं बोलेंगे यहाँ पे, है ना। याद रखिए ए एंड पी दोनों एक ही स्पेस में है, बट राइट एंड लेफ्ट साइड में है। टी और एम दोनों एक ही स्पेस में है, दोनों एक ही साइड में भी है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा गैप है। बस इस
लोकेशन को याद रखना है, APTN 31। हाँ ओके, चलिए नेक्स्ट। अब नीचे आते हैं हम लोग नीचे। ये था हम लोगों का, ये टॉपिक क्या था, सरफेस प्रोजेक्शन ऑफ हार्ट या फिर इससे हम लोग बोल सकते हैं इसका टाइटल सरफेस मार्किंग ऑफ कार्डियक वाल्व। ये था, और ऊपर में ये हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, बॉर्डर्स। बॉर्डर्स ओके। नेक्स्ट अब आ गए हम लोग सरफेस ऑफ हार्ट। सरफेस ऑफ हार्ट, सरफेस ऑफ हार्ट, इसमें भी क्या है कि थोड़ा सा ये ब्लर इमेज है, लेकिन बहुत ही अच्छा इमेज है। थोड़ा सा ब्लर्ड है लेकिन बहुत अच्छा इमेज। इसमें देखिए क्या है, ये जो हार्ट है इसका डायमेंशन कुछ इस तरह से है। आप इसको देखिए, इस इमेज को देखिए, ये किस तरह का इमेज, इस तरह का इमेज है। ये देखिए, यहाँ देखिए, इस तरह का इमेज है। इस तरह का इमेज है। आप लोग मैथमेटिक्स में डायग्राम ये समझ गए होंगे किस तरह का डायग्राम है ना। एक तरह से समझ लीजिए कि क्यूब जैसा नहीं है। क्यूब जैसा कहाँ है, क्यूब को अगर डायगोनली काट दे तब हो जाएगा सही। क्यूबॉइड को अगर डायगोनली काट दे तब ना, पूरा क्यूबॉइड लग रहा है आपको, पूरा क्यूब या फिर क्यूबॉइड कैसे है। प्रिज्म जैसा थोड़ा थोड़ा है, प्रिज्म थोड़ा ट्रायंगुलर होता तब प्रिज्म होता। प्रिज्म का तो ऐसा आकार होता है, इस तरह से, इस तरह से होता है। देखिए इस तरह का आकार है। देखिए हम आपको बताते हैं, बोट शेप है ये। देखिए क्यूब अगर इस तरह से है, इस तरह से होता है ना क्यूब, क्यूब इस तरह से होता है, क्यूब आप लोग समझ गए। अब इसको अगर इस तरह से अगर काट दिया जाए एकदम डायगनली, तब तो ये बन जाएगा। ठीक है, एक तरह समझ लीजिए कि इधर से अगर हैंडल लगा दिया जाए, इधर से हैंडल लगा दिया जाए तो क्या बन गया बताइए। तो इधर से हैंडल लगा दिए पीछे से तो क्या बन गया, लग नहीं रहा कि कचरा उठाने वाला है। जैसे हम लोग कचरा उठाते हैं ना झाड़ू लगाने के बाद, इसमें यहाँ पे कचरा है तो ये पूरा कचरा हम लोग इसमें इकट्ठा कर लेते हैं, उसी तरह का इमेज है ये। चलिए डस्ट पेन ओके। डस्ट पेन, चलिए तो इसमें कैसे समझ रहे हैं, देखिए एंटीरियर सरफेस इसका क्या होगा, इसका एंटीरियर सरफेस क्या होगा। एक और याद आ रहा है, देखिए एक और याद आ रहा है, इस तरह का जैसे हम लोग झोपड़ी देखते हैं ना, झोपड़ी, झोपड़ी है ना ये झोपड़ी, तो झोपड़ी का यहाँ का पार्ट उड़ा दिया जाए, काट दिया जाए एकदम ऊपर का, नीचे का खत्म, ऊपर का जो बचा एकदम वही है। अब आप अच्छे से इमेजिन कर पाए होंगे। ठीक है, तो अब ये बताइए कि ये एंटीरियर पार्ट हो गया, एंटीरियर पार्ट ये हो गया, ये एंटीरियर पार्ट, ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, और पोस्टीरियर पार्ट कौन सा हो गया, पोस्टीरियर पार्ट ये हो गया। पोस्टीरियर पार्ट यहाँ से देखिए, ये जो मार्किंग था, ये जो मार्किंग था इसके पीछे का मार्किंग, वो पोस्टीरियर, लेफ्ट साइड ये हो गया, राइट साइड ये हो गया, एंड इन्फीरियर साइड ये नीचे का हो गया, ये एंटीरियर साइड पूरा। पोस्टीरियर पीछे है, आपको दिखेगा नहीं यहाँ से। चलिए अब इसमें देखते काम का बात करते हैं। अब ये है एंटीरियर सरफेस, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये है लेफ्ट पल्मोनरी सरफेस, इधर लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट पल्मोनरी सरफेस, इधर बेस नीचे की ओर, इन्फीरियर मार्जिन नीचे की ओर,
एपेक्स यहाँ पे एंड बेस यहाँ पे। चलिए अब एग्जैक्ट आंसर बताते हैं हम लोग, एग्जैक्ट मार्किंग देखते हैं हम लोग सरफेस का, पार्ट का। एंटीरियर सरफेस इज फाउंड बाई राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। एंटीरियर सरफेस एंटीरियर सरफेस इज फॉर्म्ड बाई राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ओके, पार्टली बाई लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम पूरा पहले आप लोग एक बार देख लीजिए। एंटीरियर सरफेस कैसे बना हुआ है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम। पार्टली राइट वाला चीज पार्टली है ना, थोड़ा सा घुमा हुआ है ना, तो सिर्फ इधर का ही दिखेगा ना राइट वाला। लेफ्ट वाला थोड़ा पीछे की ओर छुपा हुआ है ना। लेफ्ट वाला पार्ट इसका थोड़ा पीछे की ओर छुपा हुआ है एंड राइट वाला आगे की ओर है। तो राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम दोनों एंटीरियर सरफेस है ना। कैसे राइट बॉर्डर में सिर्फ राइट वाला ही चीज आया था, राइट एकदम आगे की ओर है। राइट एट्रियम हो या फिर राइट वेंट्रिकल हो, वो आगे की ओर रोटेटेड है एंड लेफ्ट वाला पीछे की ओर। ओके, नेक्स्ट है इन्फीरियर सरफेस। इन्फीरियर सरफेस ये कचरा का डब्बा यहां से हटा देते हैं। इन्फीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस रेस्ट ऑन डायफ्राम एंड इज फॉर्म्ड बाई, बनता कैसे है इन्फीरियर सरफेस फॉर्म बाई टू थर्ड ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। इन्फीरियर सरफेस कैसे बना हुआ है, टू थर्ड ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब एंड वन थर्ड ऑफ, एंड वन थर्ड ऑफ राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल इन्फीरियर सरफेस बनाता है मेनली लेफ्ट सरफेस। लेफ्ट सरफेस इज फॉर्म्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट सरफेस इन्फीरियर सरफेस एंटीरियर सरफेस। अब इमेज में आप देखिए, एंटीरियर सरफेस इज फॉर्म बाय राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। एंटीरियर सरफेस इज फॉर्म बाय राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। क्यों, हाँ क्योंकि ये राइट की ओर, राइट वाला आगे की ओर रोटेटेड है। ओके, एंड इन्फीरियर सरफेस डायफ्राम पे रेस्ट करता है और ये इसका लेफ्ट वेंट्रिकल, मैक्सिमम लेफ्ट वेंट्रिकल ही इन्फीरियर सरफेस को कंट्रीब्यूट करता है एंड राइट वेंट्रिकल का कुछ पार्ट एंड लेफ्ट सरफेस
लेफ्ट सरफेस इज फॉर्म बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड राइट सरफेस की अगर बात करें, लेफ्ट सरफेस, राइट सरफेस, राइट सरफेस की बात करें तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड राइट ऑरिकल तीनों मिलके बनाता है, थोड़ा थोड़ा पार्ट मिलके, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड राइट ऑरिकल तीनों मिलके बनाते हैं।